सब्सक्राइब करें निवेश सक्सेना चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज निवेश सक्सेना, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एक वाइड एंगल लेंस है कैनन का 10-18 और उसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। और अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ वो 18-55 लेंस है कैनन का, जो किट लेंस आता है साथ में, जो कि 200D Mark II मेरे पास है, तो Mark II के साथ ही ये किट लेंस आया था। तो काफ़ी दिक्कत होती थी व्लॉगिंग करने में, जैसे अभी हम गोवा ट्रिप पे गए थे तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि पीछे का, जैसे अभी दिखाने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो पीछे का नहीं दिखने के कारण आप लोगों को देखने में दिक्कत होती होगी। तो मैंने एक लेंस ख़रीदा है, उसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये लेंस किस टाइप से काम करता है और किस यूज़ में आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले लेंस का हम क्लोज लुक देख लेते हैं कि लेंस कैसे बॉक्स में है और कैसा है, तो क्लोज लुक देखते हैं। इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आया है। और गाइस, बॉक्स पे आप देख सकते हैं पूरा लेंस बना है, कैनन लिखा है और ओरिजिनल बॉक्स पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, क्या लेंस है, कितने का है, क्या प्राइस है, किसने मैन्युफैक्चर, कहां से कौन बेचता है इसको, इसका डीलर कौन है, ये भी लिखा होगा। और गाइस, इस पे जो एक नंबर लिखा होता है वो आप लेंस से ज़रूर मिला लीजिए, क्योंकि आजकल नकली भी बहुत मिल जाते हैं। तो इसको करते हैं हम अनबॉक्स और शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा इसमें एक वारंटी कार्ड और साथ ही में इसमें एक यूज़र मैनुअल है जो कि कोई नहीं पढ़ता। तो गाइस, ये है हमारा फाइनली लेंस जो कि वाइड एंगल लेंस है और अभी जो शूट हो रहा है वो मेरा 18-55 लेंस से हो रहा है जो कि किट लेंस है और देखने में काफ़ी लाइट वेट है और प्लास्टिक लग रहा है पूरा, जैसे 18-55 का क्वालिटी है वैसी क्वालिटी दिख रही है इसकी भी। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज से, तो ये 10-18 कैनन 10-18 mm, आप 10 पे इसको रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल मिलने वाला है व्लॉगिंग के टाइम। और आगे से ये कुछ ऐसा दिखता है। सो गाइज़, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, अगर आप लेंस ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके ये टर्मिनल्स हैं इस पे ज़्यादा स्क्रैचेस ना हो, अगर स्क्रैच लगे हुए हैं तो इट मींस ये यूज्ड है, ये इसके टर्मिनल्स हैं जो इसको पावर देते हैं और ये आप कैमरे में आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है इस पे स्क्रैचेस ना हो। और जो सामने वाला लेंस है इसके ऊपर भी स्क्रैचेस ना हो, जैसे कि ये पूरा गोल शीशा लगा हुआ है, इसके आप ऊपर आप देख सकते हैं, अगर स्क्रैच नहीं है तो बिल्कुल सही है लेंस। और डब्बे पे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मेरे को तो अभी जो मिला है 11-20 का मैन्युफैक्चर्ड है। और इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये 20,995 रुपये का है इंक्लूडिंग टैक्स। अगर आप इसको कैश में जाके किसी लोकल मार्केट से ख़रीदते हो तो ये आपको 17-17.5 तक मिल जाएगा। तो प्राइसिंग की बात ये थी और बिल इसी में है, बाकी बिल आपको दिखाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो लिखा है उतने का ही मिला है, क्योंकि मेरे को टैक्स बेनिफिट भी लेना था तो टैक्स मेरे को रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये है वो लेंस और इसके ऊपर जो ये नंबर लिखा होता है 9520002770, ये आपके बॉक्स पर भी लिखा होगा, तो इसको आप ज़रूर मैच कर लें। और वारंटी कार्ड पर भी यही सेम नंबर लिखा होता है जिसको आपको मैच करना पड़ेगा कि मतलब इसकी अथेंटिसिटी का पता रहे कि ये सही में इसी डब्बे का लेंस है या किसी ने चेंज करके भेजा है, क्योंकि ऑनलाइन में कई सारे फ्रॉड होते रहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। सो गाइस, अभी जो शूट कर रहा हूँ मैं 18-55 से कर रहा हूँ और इस लेंस में जो ह्यूज डिफरेंस है वो आप खुद देखेंगे कि मेरे लेफ्ट में आपको इतना देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जो विड्थ, जो पूरा चौड़ाई है वो कम आ रही होगी,
तो मैं अब लेंस शिफ्ट करता हूँ और लेंस चेंज करने के बाद आप एक ह्यूज डिफरेंस देखने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सही में वाइड एंगल आपको मिला या नहीं मिला। हाँ जी गाइस, तो ये अब मैंने लेंस शिफ्ट कर लिया है और अब आप देखने वाले हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला है। ये अभी 18 mm पे, अब इसको मैं सीधा शिफ्ट करता हूँ 10 mm पे, तो आप देखें कितना पीछे वाइड होने वाला है। ये देखिए, तो अब मेरे राइट लेफ्ट में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज, ये स्पेशली व्लॉगर्स के लिए होता है, व्लॉगिंग के लिए आपको लेंस जो चाहिए कैनन के, अगर आप DSLR कैमरा यूज़ कर रहे हैं, क्रॉप सेंसर जो लें कैमरेज होते हैं DSLR, ये मिररलेस में नहीं लगेगा। लगता भी होगा तो शायद अडेप्टर वगैरह लगा के लगता होगा, उसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं है। सो गाइज, लेंस की थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं वॉक करके, वॉक करने में कैसी स्टेबिलिटी मिल रही है। ऑटो फोकस इसका ऑन है, स्टेबलाइज़र ऑन है, तो अभी मैं ये वॉक कर रहा हूँ, तो वॉक करके देखते हैं कि स्टेबिलिटी कैसी है। ज़्यादा शेकी तो नहीं हो रही वीडियो, ये वॉक करके आ रहा है जो भी व्यू आपको देखने को मिल रहा है। और अब एक बार हम थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि रन करने में कितनी स्टेबिलिटी है। सो थोड़ा स्लो स्पीड में भाग के देखते हैं। तो ये है इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें, कि मैं भाग रहा हूँ तो अच्छे से स्टेबलाइज कर रहा है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप वीडियो ज़रूर बताना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और साथ ही बेल आइकन दबा के रखना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।